हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट 111 करेंगे, जो कि 17 नवंबर की क्लास थर्ड की फोर्थ अ लिटिल फिश स्टोरी है। तो आप सभी सबसे पहले स्टोरी में एक फिश की इमेज देख सकते हैं। आपको डॉट्स को ज्वाइन करते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो आपकी फिश रेडी हो चुकी है। अब आप करेंगे इसको कलर्ड। आप अपने मन से कलर करेंगे, हम यहाँ पे कलर नहीं कर रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको इसे पढ़ना है। द लिटिल फिश वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही बिलीव दैट ही वॉज टू स्मॉल। एक लिटिल फिश थी, एक फिश थी छोटी सी, वो खुश नहीं रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे छोटी है। एंड ही विश टू बी लार्जर टू बी हैप्पी। और वो चाहती थी कि वो भी बड़े होकर अच्छी बड़ी फिश बने। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल मतलब ग्रुप ऑफ फिश। वो एक दिन ग्रुप ऑफ फिश के संग जा रही थी, तभी उन्होंने देखा, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट, कि वो एक बड़े से जाल में फंसने वाले हैं। अब आगे आप जानते हैं क्या हुआ। अब आपको अ लिटिल फिश स्टोरी अपनी बुक से पढ़नी है, फिर आप लोग जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी इसे पढ़ें और चैप्टर को जानें। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए।